अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड, जो कि बग़ैर अवन के बनी है। तो अगर आपके पास अवन नहीं है या आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आज ये ब्रेड आपको बग़ैर अवन के बनाना सिखाऊँगी। तो आएँ चलते हैं इस ब्रेड की आसान सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप एक पैन लें और उसको गरम करें। उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर ऐड करें। बटर को सिर्फ आपने मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, ठीक है। ये देखें, इस तरह से सिर्फ मेल्ट हुआ, गरम नहीं किया। जैसे मेल्ट होता है, इसमें आपने 2 प्याज को बारीक चॉप करना है और इसमें ऐड कर देना है। और बिल्कुल लाइट से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इसमें 2 टेबलस्पून आपने मैदा ऐड कर देना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा। तो इसमें मैदा ऐड कर दिया और इसको पकाएं। जैसे ही मैदे की खुशबू आना शुरू होगी, साथ ही आपने इसमें तकरीबन 1.5 कप दूध ऐड कर देना है, कोई सा भी दूध ले लें। और अब इसको आप फुल फ्लेम पर पकाएं। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं इसको। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होता है, तो 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से इसको पकाएं और थोड़ा सा ड्राई करें। अब आपने 500 ग्राम बॉइल्ड चिकन लेना है। मैंने चिकन बॉईल करते हुए इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक भी ऐड किया था। और अब आपने बिल्कुल 1/2 टीस्पून नमक डालना है, अगर आपने चिकन बॉईल करते हुए भी नमक डाला है तो। साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई ऐड की हैं और हरा धनिया ऐड कर दिया। अगर आपको धनिया नहीं पसंद तो आप मत डालें। अब इसको अच्छी तरह से इसको ड्राई करें और साइड पर रख दें। ब्रेड की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब जो डो हमने राइस की थी उसको आप लें। डो बनाने का मेथड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले इसके एयर बबल्स निकाल, इसको मैदा डस्ट करके इस डो को 2 हाफ्स में आप कर दें। पूरी डो को आधा आधा कर दिया। अब आपने एक पोर्शन लेना है और उसको अच्छी तरह से, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उस तरह आपने इसको बेलना है। रोटी को हम गोल बेलते हैं, इसको आपने थोड़ी सी ओवल शेप रखनी है, ठीक है। इसको आप सीधा सीधा बेलते जाएं तो खुद ही ओवल शेप आ जाएगी, और साइड से खुद ही दबाते जाएं तो ओवल शेप आपकी बनती जाएगी खुद ही। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ओवल शेप देने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ब्रेड की शेप है वो अच्छी आ जाती है। गोल बेलने से भी हो जाती है, लेकिन वो ज़रा फैली फैली सी बनती है। अब एक आप पैन को ग्रीस करें, बेकिंग पैन को, और उसके अंदर ये पूरी डो एज़ इट इज़ रख दें। अगर आप चाहें तो पहले भी फिलिंग करके रख सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से ज़्यादा आसान रहता है, शेप ख़राब नहीं होती। इस तरह पूरी डो आप रखते हैं अंदर, और फिर आपने यूँ फोक्स से अंदर प्रिक्स करने हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये नान की तरह अकड़ती नहीं। अब आप फिलिंग लगाएं, जितनी आप लगाना चाहें, कम या ज़्यादा, ये आपकी अपनी चॉइस है। और साथ में साइड्स पे यूँ कट्स लगा दें, जो कि आपने अभी इसके ऊपर क्रॉसिंग करके इसका डिज़ाइन सा बनाना है। यूँ इस तरह करके एक वहाँ से लें, एक स्ट्रिप दूसरी साइड से लें, और ये प्यारा सा डिज़ाइन बना दें। ये ऊपर से भी बंद कर दें। अब आपने एक अंडा फेंटना है और इसके ऊपर एग ब्रश करना है सारा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पतीले में बेकिंग करने से हमारी चीज़ के ऊपर कलर अच्छा नहीं आया, वो एग ब्रश नहीं करते। एग ब्रश बहुत ज़रूरी होती है पतीला बेकिंग में। अब आप इसके ऊपर अच्छी तरह से सफ़ेद तेल छिड़क दें। अगर आपको ऑरिगेनो पसंद है ब्रेड के ऊपर तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। अब आप एक बड़े साइज़ का पतीला लें और उसको 15 मिनट के लिए प्री हीट करें, और उसके ऊपर हाथ रख के देखें। जैसे ही तंदूर की तरह से एक हीट आ रही होगी, तो आपने उसके अंदर एक स्टैंड रख देना है। स्टैंड रख के तो आपकी जो बेकिंग ट्रे है जिसमें आपने ब्रेड लगाई है वो साथ रख दें। प्री हीट आपने फुल फ्लेम पे करना है, और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो करके ढक्कन देना है, और एक वज़नी सी कोई चीज़ ढक्कन के ऊपर रख देनी है। मैंने ईंट ही पकड़ के रख दी, मुझे इससे वज़नी कुछ भी नहीं मिला।
इसी तरह जो हमारी डो रह गई थी बाकी बची हुई, उसके भी हमने मज़ीद दो पीसीस किए और उसकी दो छोटी ब्रेड्स बन गई। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उससे आपकी एक लार्ज ब्रेड बनेगी और दो स्मॉल ब्रेड्स बनेंगी। इतनी सिर्फ दो कप मैदे से आपकी देखें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगी। ये हमारे 25 मिनट पूरे हो गए हैं और देखें ब्रेड का कितना खूबसूरत सा कलर आया है। कहीं से लग रहा है कि ये अवन में नहीं बनी हुई, और इसका कलर भी एज इट इज़ वैसा ही आया जैसा हम अवन में बनाते हैं। अगर आप लोग अवन यूज़ कर रहे हैं उसमें बना रहे हैं तो आपको 120 डिग्री पे सिर्फ 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। इसी तरह अब हमने ये पहली वाली ब्रेड निकाल ली, मज़ीद हम दोबारा प्री हीट करेंगे 15 मिनट के लिए और इसके अंदर हीट लो करके अपनी जो दोबारा वाली ब्रेड थी वो रख देंगे। ये देखें वो दोनों भी 20 मिनट बाद कितनी खूबसूरत बन गई हैं। प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है स्टोव बेकिंग में, वरना बहुत टाइम लग जाता है और चीज़ अकड़ जाती है। ये देखें कितनी खूबसूरत बन गई है ब्रेड, कहीं से लग रहा है हमने अवन नहीं यूज़ किया, ये टोटली स्टोव बेकिंग हुई है। और कितना खूबसूरत कलर आया है, जिन लोगों को ये होता है कि कलर खूबसूरत नहीं आता वो ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।